प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे। तो बेटा, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। क्या है संज्ञा? संज्ञा होती है, जैसे आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, नाम वाले शब्द। जितने भी शब्द नाम दिखाते हैं, नाम दर्शाते हैं, जितने भी शब्दों से हमें किसी व्यक्ति वस्तु का नाम पता चलता है, उनको संज्ञा कहते हैं। आपको यहाँ बोर्ड पे तीन उदाहरण दिख रहे होंगे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान। ये संज्ञा के होते हैं, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम और किसी स्थान का नाम। इन सब से हमें संज्ञा शब्दों का पता चलता है। जैसे अगर हम व्यक्ति के बारे में देखें, तो बेटा आप सबको पता है, आप सभी बच्चों के अलग अलग नाम होते हैं। अगर आप कक्षा में हैं और मैम किसी बच्चे को बुलाती है, तो उसके नाम से ही मैम बुला सकती है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मैम ने किसको पुकारा है? आप सब भी अपने सभी दोस्तों को उनके नाम से ही पुकारते हैं। तो किसी व्यक्ति का नाम जो है, जो नाम वाले शब्द हैं, वो संज्ञा होता है। जैसे राम, अनिल, नालंदा, बहुत सारे नाम है। जैसे आपका खुद का नाम है, आपके पिताजी, माता जी, दादा, दादी, भाई, बहन, जो भी जितने भी नाम है, आपके चारों तरफ बहुत सारे आदमियों के, व्यक्तियों के नाम आपको पता है, वो सब संज्ञा शब्द कहलाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा उदाहरण है वस्तु। किसी भी वस्तु का नाम जो होता है बेटा, वो भी संज्ञा शब्द होता है। जैसे कैसे पता चलेगा कि एक मार्कर है, इसे हम मार्कर कहते हैं। उसके बाद ये देखिए, ये क्या है? डस्टर, झाड़न जो है, ये भी वस्तु का ही नाम है। चम्मच, ये एक वस्तु का नाम है। ये हमारा कलर बॉक्स है। ये सारी जो वस्तुएं हैं, पेंसिल है, पेन है, नाइफ है, ये चाकू है, ये सब वस्तुओं के ही नाम होते हैं। ऐसे ही बहुत सारी वस्तुएं आपके घर में भी हैं बेटा, वो सब संज्ञा शब्दों में है। जैसे पुस्तक, मेज, टोकरी, और आप अपने घर में देखेंगे बहुत सारी वस्तुएं हैं जिन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तीसरा हमारा उदाहरण है स्थान। स्थान, जितने भी जगह, जो बहुत सारी जगह है, वो भी हम उनके नाम से ही जानते हैं। जैसे गोहाना है, दिल्ली है, रोहतक, चंडीगढ़, हरियाणा, मुंबई, बहुत सारी हैं। जब हम कहीं भी जाते हैं तो हम ये कहते हैं ना, हम उस जगह जा रहे हैं। उन जब भी कोई आपसे पूछता है आप कहाँ रहते हो, तो आप बताओगे ना कहाँ रहते हो आप? वहां भी तो आप एक प्रॉपर जगह का नाम ही बता रहे हो। ऐसे ही कोई अगर आपसे पूछे कि आपका विद्यालय, आपका स्कूल कहाँ है, तो आप क्या बताओगे कि हमारा स्कूल गोहाना में है। इसी तरह बेटा, नाम वस्तु का जो नाम, स्थान का जो नाम होता है, स्थान अलग अलग स्थान का अलग अलग नाम होता है, और उनको हम उनके नाम से ही पहचानते हैं। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? संज्ञा शब्द। संज्ञा की फिर अब हम परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है बेटा? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? जिससे किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का हमें पता चलता है, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। इन तीनों चीजों के बाद भी बेटा कुछ और भी है। जैसे हमारे पशु पक्षी हैं, ये जो हमारे पशु पक्षी हैं, ये भी संज्ञा ही हैं। जैसे ये हाथी है, शेर है, घोड़ा है, ये सब हमारे, ये जो पशु पक्षी होते हैं, ये भी संज्ञा होते हैं। तो वास्तव में बेटा, संसार में, दुनिया में भी जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी नाम हैं, वो सब संज्ञा कहलाते हैं। तो आपको इसको बार